Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with exercise 3.6 of chapter 3, that is linear equation in two variable, class 10 NCERT maths. Okay, अब 3.6 के अंदर क्या है, जो भी अपने fractions के अंदर variables दिए गए होंगे, fractions के अंदर variables देते हैं तो उसको अपन पूरे fraction को P और Q suppose करके sum solve करेंगे and ultimately last में वो fraction X या Y को variable को value दे देंगे. Clear everyone? अब start करो. First question मैं already solve करवा चुकी हूँ, मैं second question start करूंगी. इससे पहले कि पहले वाले lecture के अंदर या दो lecture पहले मैंने first question solve करवा दिया था, ठीक है, 3.4 के एंड में. अब मैं 3.6 स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6, सो लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई. 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2. ओके, अब मैं 1 अपॉन रूट एक्स को क्या करूंगी, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू पी. 1 अपॉन रूट एक्स को मैंने पी सपोज कर लिया एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू क्यू. ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में लिख दू तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, 2 पी प्लस 3q इज इक्वल टू 2. ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू माइनस 1. क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 1. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई. क्लियर है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब इसके अंदर मुझे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला, मैं कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज करके सम सॉल्व कर सकती हूँ. मैं कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज करके इसके हेडिंग में दिया क्या दिया हुआ क्वेश्चन के, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो इसके अंदर मैं कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज कर सकती हूँ, तो आई वुड रिकमेंड कि एलिमिनेशन मेथड यूज करो, बाकी तुम लोग को जो कंफर्टेबल लगे. क्लियर है, सो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन करूं, ये 2p है, ये 4p है, ये 3q है, ये 9q है, तो ये दोनों टैली नहीं हो रहे, मतलब इन दोनों का फर्स्ट, मतलब इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है एंड एलिमिनेशन के केस में कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, तो 2 से 4 हो जाएगा, तो मेरा ये और ये कोएफिशिएंट सेम हो गया. मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन 1 बाय 2. अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से 4 हो गया, तो ये और ये टैली हो गया ना. सो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन 1 बाय 2, देयरफॉर एंड एलिमिनेटिंग द सेम एंड एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, अब 2 टू 4, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू करी, 3 टू 6, अगर इंटू होगा तो पूरे इक्वेशन से इंटू होगा, तुम एक जगह इंटू नहीं कर सकते खाली. 2 टू 4, ये ऐसे भी जाएगा, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 1. अब एलिमिनेशन में केस में क्या होता है, जिधर प्लस है उधर माइनस लगाओ, जिधर माइनस है उधर प्लस, जिधर माइनस है उधर प्लस. सो 4 माइनस 4 0, 6 प्लस 9 15 q इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5. फिर ये वाली साइन को तो कंसिडर ही नहीं करना, सिर्फ नीचे वाली साइन को ही देखना है. क्लियर एवरीवन? सो ये क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 15, 5 1 5 5 3 15. तो मेरी Q की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 3. सो मेरी Q की वैल्यू क्या आई, Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. अगर Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 है, तो अगर पता चल गया तो P ढूंढ सकते हैं इजिली, एंड P ढूंढ लिया तो फिर कैसे करते हैं, अपन को अल्टीमेटली वो करना है. ठीक है, अब मैं इधर थोड़ी स्पेस देख के P ढूंढ लेती हूँ. ठीक है, तो ये क्या है, Putting the value of Q in equation 1, 2p plus 3q is equal to 2, 2p plus 3 into 1 upon 3 is equal to 2, 3 into 1 upon 3, 3 कट हो गया, 2p plus 1 is equal to 2, तो क्या हो जाएगा, 2p is equal to 2 minus 1, 2p is equal to 2 minus 1, तो p क्या हो गया, 1 upon 2,
टू, क्लियर है। और अगर मुझे पी की वैल्यू मिल गई तो मुझे एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, ठीक है। अब वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू पी, वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू पी, तो मैं वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या, वन अपॉन टू, मतलब रूट एक्स इज इक्वल टू टू हो गया, वन वन सेम है तो रूट एक्स इज इक्वल टू टू हो गया, ठीक है। देयरफॉर रूट एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स क्या होगा फोर, इसका रूट हटा मतलब इसको स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट एक्स इज इक्वल टू टू मतलब एक्स इज इक्वल टू फोर, अगर इधर का रूट हटा रही हूं मतलब इधर स्क्वायर लगता है, क्योंकि रूट कैसे हटता है, अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दू तो स्क्वायर रूट कट हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू टू जा फोर, क्लियर एवरीवन। एंड वाई की वैल्यू भी ऐसे ही ढूंढनी है, क्लियर है। एक बार गो थ्रू कर दो पूरा सम। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू टू, तो मैंने 1 अपॉन रूट एक्स को पी सपोज किया एंड 1 अपॉन रूट वाई को क्यू सपोज किया। अब मैंने इक्वेशन में लिख दिया 1 अपॉन रूट एक्स की जगह मैंने पी लिख दिया और 1 अपॉन रूट वाई उसकी जगह मैंने क्यू लिख दिया, सो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 आ गया, मेरा पहला इक्वेशन बन गया। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में भी ऐसा ही करूंगी, तो मेरा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 1। मैं पहली पूरी इक्वेशन को 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी बिकॉज मैं एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर रही हूँ, तो जिसके अंदर तुम्हारा कोएफिशिएंट कोई भी एक वेरिएबल का सेम होना चाहिए, तो मैं 2 × 2 = 4 करने के लिए पूरे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड दोनों इक्वेशन को अल्टीमेटली एलिमिनेट करूंगी। तो एलिमिनेट करने पे मेरी क्यू की वैल्यू आई, फिर मैंने इक्वेशन 1 में क्यू की वैल्यू पुट की तो मेरे इक्वेशन 1 को सॉल्व करके पी की वैल्यू आई एंड 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू पी, तो रूट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो रूट एक्स इज इक्वल टू 2, सो एक्स इज इक्वल टू 4, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट सम, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.6, 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 3 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 23। सो इधर एक जगह तो खाली एक ही जगह फ्रैक्शन है, दूसरी जगह फ्रैक्शन नहीं है, इधर सिर्फ एक जगह फ्रैक्शन है दूसरी जगह फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ x वेरिएबल फ्रैक्शन में y वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू p, देयरफॉर 4p प्लस 3y रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों करना जरूरी नहीं है, 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ओके, अगेन इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब मैं ना इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर, सब में अलग अलग मेथड ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, क्लियर एवरीवन। सो अगर मैं इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा 4p प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 3p माइनस 4y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। सो पी एक्स के बजाय पी लिखूंगी, इधर वाई लिखूंगी एंड इधर 1 लिखूंगी, इज इक्वल टू की साइन सबके बीच में आ जाएगी। अब जब मैं पी का देख कर रही हूं तो क्यू का देखूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 एंड माइनस 4 एंड माइनस 14 एंड माइनस 23, क्लियर एवरीवन। थ्री एंड माइनस 4 माइनस 14 माइनस 23, ओके माइनस 14 माइनस 23 4 एंड 3 4 3 3 माइनस
क्लियर एवरीवन, इधर तक सबको क्लियर हो गया ये कैसे लिखते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, बहुत बार समझा चुकी हूँ तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट। अब पी पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से इसको माइनस करते हैं, 23 3 69 और माइनस की साइन लग जाएगी बिकॉज एक ही बार माइनस रिपीट हो रहा है, माइनस 14 4 14 4 कितना होता है 56। अभी माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन बीच की साइन तो रहेगी तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू y अपॉन 14 3 42 माइनस 42 माइनस माइनस 23 4 92 अब इसके अंदर माइनस रहेगा ठीक है, बिकॉज एक ही बार माइनस रिपीट हो रहा है तो अंदर माइनस रहेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 4 16 तो माइनस 16 माइनस 9। क्लियर एवरीवन? सो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन माइनस माइनस प्लस 69 प्लस 56 दैट इज 5 6 प्लस 5 11 1 12 125 माइनस माइनस 125 हो जाएगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसलिए इज इक्वल टू y के अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस 42 प्लस 92 माइनस 42 प्लस 92 क्या हो गया माइनस प्लस माइनस 92 माइनस 42 दैट इज 50 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 92 अब पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए अपना ये पॉजिटिव रहेगा 1 अपॉन माइनस 25। इधर तक क्लियर हो गया? अब मैं कंपेयर करूं, अगर p अपॉन माइनस 125 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25 तो p इज इक्वल टू देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25 इंटू माइनस 125 बिकॉज डिविजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन एंड गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, सो माइनस 25 वन जा 5 जा ठीक है। अब माइनस माइनस भी कट हो गया तो p की वैल्यू क्या आ गई 5, p की वैल्यू क्या आ गई 5। अब q की वैल्यू भी मिल जाएगी ऐसे ही, y की सॉरी q नहीं इसमें y है, तो y अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25 सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25 इंटू 50 25 1 25 2 लेकिन माइनस रह जाएगा तो y इज इक्वल टू -2। ओके अब इतनी सी स्पेस में देखना मैं एडजस्ट कर रही हूँ, इतनी सी स्पेस में देखना मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मेरा p की वैल्यू आया 5। अब 1 अपॉन x इज इक्वल टू p की वैल्यू आई 5 तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 x इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 5। अच्छे से एक बार गो थ्रू करें तो x की वैल्यू 1 अपॉन 5 एंड y की वैल्यू क्या आई -2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो लेट x माइनस 1 बी p एंड y माइनस 2 बी q ठीक है, लेट x माइनस 1 बी p एंड y माइनस 2 बी q। सो ये क्या हो गया 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी है इसके अंदर, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी है 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ठीक है।
तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो मेरी दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसके तो कुछ भी कॉमन है नहीं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्यू को 3 के साथ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्यू को माइनस 3 के साथ, अगर मैं क्यू को माइनस 3 के साथ करूं तो माइनस 3 हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ माइनस 3 एंड एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ माइनस 3 एंड एलिमिनेटिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। सो 5 माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15p, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15p माइनस 3q इज इक्वल टू माइनस 6, एंड ये क्या है 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। क्लियर एवरीवन, ये क्या हो गया माइनस 21p इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 21p इज इक्वल बिकॉज माइनस 6 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो पी क्या हो गया माइनस 7 अपॉन माइनस 21, माइनस माइनस कट 7 वन जा 3 जा, सो ये पी की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 3, पी की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 3। अब मुझे पी की वैल्यू मिल गई तो मैं क्यू की ढूंढ सकती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1, दैट इज 5p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, सो 5 अपॉन 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। तो क्यू क्या हो गया 2 माइनस 5 अपॉन 3, अगर मैं इसको एलसीएम लू तो 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 5, तो ये हो गया 1 अपॉन 3। क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई 1 अपॉन 3। अब पी और क्यू की वैल्यू आ गई तो अपन दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैं एक्स की निकाल दू, वाई की तुमको खुद निकालनी है। 5 अपॉन एक्स माइनस 1 सॉरी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू क्या 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, देयरफॉर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो एक्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो वाई की भी सेम ऐसा ही होगा, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो गया, अगेन तुम सेम ये स्टेप रिपीट कर देना, फिर ये करना। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू मेरी 5 आ गई और x की वैल्यू मेरी 4 आ गई। क्लियर एवरीवन, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो पूरा सम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से सुनना, इम्पोर्टेंट भी है एंड थोड़ा ट्विस्टेड भी है। क्या क्वेश्चन है, 6x, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 6th नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 5th नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन पेंडिंग है, 5th क्या बोल रहे हैं, 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, क्लियर। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 8x माइनस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15, क्लियर एवरीवन। अब मैं क्या करूंगी इसके अंदर, एक्स वाई कॉमन है तो मैं एक्स वाई को दोनों के नीचे अकेला अकेला लिख दूंगी, मतलब क्या 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 7x अपॉन एक्स वाई, क्लियर है 7x अपॉन ओके 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर है सबको। अब इसके अंदर x और x कट जाएगा, इसके अंदर x और x कट जाएगा, और इसके अंदर y और y कट जाएगा, उसके अंदर x और x कट जाएगा, इसके अंदर y और y कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5, क्लियर एवरीवन। अब सिमिलरली इधर भी मैं करूंगी तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 15, सो ये एक्स एक्स कैंसल, वाई वाई कैंसल, ये हो गया 8 अपॉन वाई माइनस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15, क्लियर एवरीवन, ये तो सबको क्लियर हो गया। अब लेट 1 अपॉन एक्स बी पी एंड 1 अपॉन वाई बी क्यू, देयरफॉर ये इक्वेशन क्या होगी 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5,
और ये इक्वेशन होगी 8q-7p इज इक्वल टू 15। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करूं तो इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मल वाले मेथड से करूं एलिमिनेशन मेथड से, तो दोनों इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं इसको कौन सी मेथड लूंगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब इज इक्वल टू के बदले माइनस इज इक्वल टू जीरो, इसका भी माइनस हो गया, इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, पी क्यू वन। इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, इसको ये साइड ले आएंगे, इसको ये साइड लेके आ जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, पी को आगे लेंगे, माइनस टू पी प्लस सेवन क्यू। इसके अंदर भी क्या करेंगे, माइनस सेवन पी प्लस एट क्यू। ओके, माइनस सेवन पी प्लस एट क्यू। अब पी क्यू वन, तो ये क्या हो गया, पी है तो पी नहीं देखेंगे, सेवन अपॉन एट, ठीक है। और ये -5 -15, अगेन इधर -5 -15, -2 -7, सेवन एंड एट। क्लियर एवरीवन इधर तक? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको इसके साथ, इन सबके बीच में इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो 7 15 7 का कितना होगा, 105, माइनस लग जाएगा, माइनस 8 5 40, तो -40 हो जाएगा, एक ही माइनस है इसके लिए। क्लियर एवरीवन, इज इक्वल टू क्यू, 5 7 35, माइनस माइनस प्लस, तो 35 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 15 2 30, 30 पॉजिटिव है और बीच की माइनस कंटिन्यू होगी, ठीक है। इज इक्वल टू 1 upon 2 into 16, माइनस 7 7 49, माइनस है, एक ही बार माइनस के साइन है, मतलब -49 है। तो ये क्या हो गया, पी अपॉन माइनस माइनस प्लस, -105 प्लस 40 कितना होता है, -65 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 upon माइनस माइनस प्लस 49 minus 16 कितना होता है, 49 में से अगर 16 को माइनस करू 33 कितना होता है, 49 minus 16 कितना होता है, 33 कितना होता है, 33 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, एंड अगेन उसके द्वारा मैं एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ सकती हूँ, बिकॉज इधर 1 upon x को ही सपोज किया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्लियर है। खाली इसका ट्विस्ट किया, ये एक्स वाई को कैसे कटिंग करके अल्टीमेटली सम करना है, क्लियर एवरीवन। मेरी एक की वैल्यू मेरे को इतना आगे, मतलब मेरी पी और क्यू की, मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी, इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी, एंड अल्टीमेटली मेरी पी और क्यू की वैल्यू आ गई। और एक बार मेरी पी और क्यू की वैल्यू आ गई तो मेरी एक्स एंड वाई की वैल्यू इजीली आ जाएगी। एक बार गो थ्रू कर लो अच्छे से, क्लियर एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, तो मैं क्या करूंगी, तीनों को xy से डिवाइड कर दूंगी, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय xy। तो लास्ट वाला xy तो कट हो जाएगा, एंड बीच वाले में भी एक ऊपर नीचे, जैसे इसमें कैसे ऊपर नीचे कट हुआ है, वैसे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कट हो जाएगा, एक ही वेरिएबल रहेगा, क्लियर एवरीवन। तो 6 होमवर्क, 7 सिमिलर था जो अपन ने अभी इसका फोर्थ सम किया, सेम 7 सम है तो वो भी होमवर्क है। 8 सम भी सिमिलर पैटर्न का, ये खाली एक वेरिएबल लग गया है तो वो भी होमवर्क है, ठीक है। ओके, 6 7 8 होमवर्क है, उसके बाद जो प्रॉब्लम सम्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, बिकॉज वो प्रॉब्लम सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई है, क्लियर एवरीवन। तो और जो गाला में जो सम्स होते हैं वो भी मोस्टली यही सम्स होते हैं, बिकॉज ये चैप्टर में 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये चैप्टर का 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन होता है। सो ये जो 3 ही सम है, लेकिन वो 3 सम कॉम्प्लिकेटेड है, तुमको समझने में थोड़ा दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर खाली 3 सम का भेजूंगी। ओके एवरीवन, गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद 3 सम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड कंप्लीट द होल चैप्टर इन दैट लेक्चर। ओके, गुड बाय एवरीवन।